जेंडर संवेदनशीलता और संबंधित विषय पर आयोजित एक माह के इस अकादमिक वेब एक्टिविटीज में आज आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को कल सूचित किया गया था, हमारे बीच भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत की ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर सुषमा यादव मैडम को आज हमसे बातचीत करनी थी, लेकिन उनसे सुबह जो दूरभाष पर सूचना मिली उनकी स्वास्थ्यगत दिक्कतों की वजह से वो कुछ समस्याएं थी, इसलिए मैम आज हमारे बीच नहीं आ पाई। और क्योंकि हम लोगों को यह कार्यक्रम निरंतर जारी रखना था, उसी निरंतरता में रखना था, तो सुबह हमने अपने वाइस चांसलर मैडम प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम से और अपने विश्वविद्यालय के और लोगों से डिस्कस किया और मैम ने आज इस विषय पे अपनी तुरंत सहमति जताई और मैम का इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि जिनके संरक्षण में यह कार्यक्रम चल रहा है, जिनके मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम चल रहा है, मैम तुरंत उसको उन्होंने ही इनिशिएट कर लिया और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। और हमारे इस कार्यक्रम को निरंतरता में जारी रखने के लिए मैं सबसे पहले बहुत ही आदर के साथ और पूरे परिवार की तरफ से और जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स जो इतने दिनों से जुड़ रहे हैं, मैं सबकी तरफ से मैं ऑनरेबल प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम का बहुत ही आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच प्रोफेसर डी के वर्मा सर, डीन और आईपीएससी सेल के चेयरमैन प्रोफेसर किशोर जॉन सर और कुसुम मैम भी जुड़ी हैं, श्री भरत भाटी जी हैं, डॉक्टर मनीषा सक्सेना मैम और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उन सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आईक्यूएससी सेल के चेयरमैन और डीन प्रोफेसर डीके वर्मा सर से निवेदन करता हूं कि वे आज के वेलकम एड्रेस के लिए। धन्यवाद डॉक्टर मनोज। मेरे लिए दिल से कहूं वाकई बड़े गर्व का विषय है ये कि न केवल हमारी माननीय कुलपति महोदया जो कि आज की मुख्य वक्ता हैं उनके लिए मैं यहाँ वेलकम एड्रेस दे रहा हूँ, अभी तो इसलिए भी कि जो हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं उसमें जो मैं पूरे विश्व में जो डिस्कोर्स देख रहा हूँ और जो समाज विज्ञान के सिद्धांत हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन की ओर ले जाना चाहते हैं उसमें मैं प्रोफेसर आशा शुक्ला को अग्रणी पाता हूँ, क्योंकि जो सोच जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए सैद्धांतिक रूप से बनाई गई है और जिस कारणों से जेंडर ने रिप्लेस किया है सेक्स को, उन कारणों की मेरी जो अनौपचारिक चर्चा होती रहती है प्रोफेसर आशा शुक्ला जी के साथ में, तो निश्चित रूप से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि वो हमारी मुखिया हैं। ये देश का पहला सामाजिक विज्ञान का विश्वविद्यालय होने के नाते ब्राउस वर्ल्ड वुमेन पॉलिसी के ऊपर जो काम करना चाह रहा है उसके लिए जिस प्रकार का नेतृत्व चाहिए, अकादमिक नेतृत्व चाहिए, विशेष करके मैं कहना चाहूँगा जो उसको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर सके अपने शोध कार्य से, अपने वैज्ञानिक मानसिकता से और विशेष रूप से जो आनुभविक शोध करके एम्पेरिकल रिसर्च करके जो बात कही जाती है उसमें मैं यहाँ पर बेबाकी से कहना चाहूँगा कि हमने स्वयं इस विश्वविद्यालय के लिए 31 यहाँ पर रिसोर्स पर्सन को इनवाइट किया है, लेकिन उनमें से 80% से ज़्यादा टॉपिक्स उनका रिलेशन वुमेन से है। और जब हम जेंडर की बात करते हैं तो शायद हमको वो वुमेन की जो समस्या है उसको रूट कॉज से अपरूट करके उसको जड़ से निकालने के लिए जो हमने प्रयास किया वो जेंडर का किया है। मैं अधिक सुनना चाहूंगा प्रोफेसर आशा शुक्ला जी हमारे माननीय कुलपति महोदया को, लेकिन एक मैं करना चाहूंगा कि जब हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं और हमारे लिए बड़ा, मैंने कहा कि गर्व का विषय है कि हमारे वो मुख्य वक्ता के रूप में आज उपस्थित हैं,
अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि अध्यक्षीय उद्बोधन में या वेलकम एड्रेस में हम वो बात नहीं कह पाते हैं जो एज एन एक्सपर्ट हम चाहते हैं, एक समाज वैज्ञानिक की दृष्टि से चाहते हैं। तो आज मेरे लिए पर्सनली भी बहुत ये गर्व का विषय है कि मैडम आज एक रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे साथ में है, मुख्य वक्ता के रूप में साथ में है, तो हम उनसे कुछ मार्गदर्शन भी चाहेंगे। मैडम, जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन मूनी ने सबसे पहले जेंडर का वर्ड संकल्पना को हमारे सामने 1955 में रखा था, और उसका तात्पर्य यही था कि वो मेल और फीमेल के डिफरेंसेस को खत्म करना था। वो कुछ ऐसा प्रयास था संकल्पना का, अवधारणा का, जिसको बहुत अच्छी तरह रॉबर्ट स्टोलर ने कहा था कि जब वो जेंडर आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, कि जेंडर की पहचान की बात कर रहे थे, तो स्टोलर का भी कहना यही था कि जब तक हम ये वुमेन आइडेंटिटी को डिसॉल्व नहीं करेंगे, मेन आइडेंटिटी को डिसॉल्व नहीं करेंगे, तब तक जेंडर आइडेंटिटी हमारी इमर्ज नहीं हो पाएगी। और मैं प्रोफेसर सिसिलिया रिजवे हैं, जो अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लुई स्टैन प्रोफेसर हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ जेंडर के ऊपर, और हमारा करीब 2004 से काम चल रहा है, जो हम लोग एक थ्योरी है जेंडर स्टेटस करेक्टरिस्टिक जनरलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं GCGT, सोशल साइकोलॉजी, के इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और उसमें जेंडर आइडेंटिटी क्या होगी, जेंडर स्टेटस करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इसके ऊपर हम लोग काफ़ी चर्चा करते हैं। लेकिन हमेशा जो समस्या आती है, वो समस्या मैं इस प्रकार से कहूँ कि गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जब मीटिंग हुआ, तो मुझे बुलाया गया था उसमें, तो जब मैंने इस बात पर चर्चा रखी, तो वहाँ पर भी उनका कहना था कि अभी नेशनल कमीशन फॉर जेंडर नहीं है, अभी ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। लेकिन सोशल साइंस पर्सपेक्टिव से बड़ा इमर्ज होकर आता है कि जब तक वुमेन की अवधारणा रहेगी, तब तक हमारे जो क्राइम्स हैं, जब तक जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्विटी है, वो परसिस्ट करती रहेगी। तो यहाँ पर दो मुख्य बातें आती हैं कि या तो हम वुमेन की आइडेंटिटी को साथ लेते हुए जेंडर की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करें, या वुमेन एम्पावरमेंट को करते रहें और जेंडर आइडेंटिटी को इंडिपेंडेंटली हम इमर्ज होने दें। तो जो हमारे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जेंडर के लिए कहा गया है, जैसे कि हम सेमन ब्यावर को भी देखते हैं, जब उन्होंने सेकंड सेक्स की जब बात कही थी, तब सबसे बड़ी हमारे सामने जो बात हुई है कि जब हमारे जितने एक्सपर्ट्स आते हैं, वो भी इसी बात पर जोर देते हैं कि हमको शायद जेंडर सेंसिटाइजेशन में वुमेन इक्वलिटी या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना है, वुमेन सिक्योरिटी की बात करना है, जो कि जेंडर सेंसिटाइजेशन से बिल्कुल अलग चीज़ हो गई है, बिल्कुल उसका इत्तेफाक ही नहीं होता है थियोरेटिकली देखा जाए कि अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन और इन सब की बात करें, तो हम जेंडर की बात कर रहे हैं। तो कभी कभी मेरे मन में भी विचार आता है कि कहीं हम मिसलीड तो नहीं कर रहे हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन के नाम पर, हम वुमेन को फिर से कहीं ट्रैप में तो नहीं ले जा रहे हैं कि हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं। तो फेमिनिज्म का भी जो एक बहुत बड़ा एक पैराडॉक्स है, वो यही है कि फेमिनिस्ट भी इक्वल टू मैन ला के बात करना चाह रहा है, तो जेंडर में भी हम कहीं मैन एंड वुमेन की इक्वलिटी की तो बात नहीं कर रहे हैं, जबकि ये बहुत अलग चीज़ है। जेंडर जो है, इसको हम सोशल कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो सोशल कंस्ट्रक्शन फॉर व्हाट, इसके ऊपर शायद हम देख नहीं पा रहे हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्शन फॉर स्टेटस एंड रोल की अगर हम बात करने लगते हैं इक्वल टू मैन एंड वुमेन, तो हम इनजस्टिस कर रहे हैं पुनः वुमेन के साथ में, क्योंकि हम ये कह दें कि हमने उनको रिजर्वेशन दे दिया, हम ये कह दें कि हमको उनको पदों में ला दिया, तो हम शायद ये कहने में गलती कर जाएंगे कि हमने जेंडर सेंसिटाइजेशन कर दिया है। तो हमारे पास वुमेन की प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, उनको हमको देखना है। तो वुमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट हैं, वुमेन स्टडीज़ सेंटर हैं, वो अपनी जगह अच्छे हैं और उनके कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो करने चाहिए उनको काम। लेकिन जेंडर स्टडीज़ हमारे में डेवलप हो नहीं पाया है, जेंडर आइडेंटिटी हमने डेवलप कर नहीं पाई है, और अगर हम जेंडर स्टडीज़ के नाम पर पुनः, जैसे 80% हमारे वक्ता आ रहे हैं या 80% डिस्कोर्स देख रहे हैं, मैं एक ये देख रहा था किताब स्त्री संघर्ष जो है, स्त्री संघर्ष का इतिहास 1890 का, राधा कुमारी जी ने लिखा है, कंपाइलेशन बहुत अच्छा है, इसको भी जब मैं देख रहा था, तो इसके बेसिस पर बहुत सारे मैंने आर्टिकल बड़े प्रतिष्ठित जर्नलों में देखे हैं जो इसका रेफर करते हुए इसको जेंडर का स्ट्रगल बोलते हैं। ये जेंडर स्ट्रगल नहीं है, ये वुमेन स्ट्रगल है। हमें बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए कि जेंडर हैज़ नथिंग टू डू विद वुमेन। अगर हम इस बात को देखते हैं, तो आपके विचार बड़े प्रासंगिक हो जाएंगे। जेंडर सेंसिटाइजेशन
शायद मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, बिहेवियर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। पर जेंडर में जैसे हम मेल एंड फीमेल बोलते हैं तो फिर से हम शायद ये डिस्क्रिमिनेशन चालू कर देते हैं। एम्पैथी की कोई बात नहीं है यहाँ पर, सबको संवेदना होना चाहिए, इसकी भी बात नहीं है। जेंडर सेंसिटाइजेशन मेनली देखा जाए तो एक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर की तरफ जाता है कि आपको चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके अंदर ये विचार आना ही नहीं चाहिए अपने एक्शन में कि आप मेल एंड फीमेल के रूप में या मेल एंड फीमेल के लिए बात कर पा रहे हैं, तब हम शायद जेंडर की बात करते हैं। तो अगर इस प्रकार की न्यूट्रलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक इंटेलेक्चुअल एफर्ट की हमको बात करनी पड़ेगी। और ये इस पूछते हैं प्रश्न, जैसे अभी एक लेटेस्ट हम लोग प्रश्न पे बात कर रहे हैं कि हाउ जेंडर शेप आवर रोल एज ए पर्सन एज ए ह्यूमन बींग। तो यहाँ पर फिर से अगर हम मेल फीमेल में बांट के बात कर देंगे तो ये डाइकोटॉमी जेंडर ने निकाल हटा दी है। अभी फेसबुक का भी जैसे बार बार एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि फेसबुक ने जेंडर की 171 आइडेंटिटी बताई है, तो जेंडर की टाइप्स हो ही नहीं सकते ये संकल्पना थी। जेंडर अपने आप में सारी आइडेंटिटीज को डिसॉल्व करके एक चीज बन रहा था, वहां पर फिर से हमने जेंडर के लिए इतने सारे टाइप्स करना चालू कर दिए हैं, ट्रांसजेंडर की इंपॉर्टेंस देना चालू कर दिए हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि सारी आइडेंटिटी जो डिस्क्रिमिनेटरी थी, डिवाइडिंग थी, उनको डिसॉल्व करके एक संकल्पना खड़ी करी थी जॉन मूनी ने और स्टोलर ने और सिसिला रिजवे भी इसकी तरफ जा रही हैं कि हमको एक जेंडर न्यूट्रल लेके जाना है। जेंडर की एक ही आइडेंटिटी है, जेंडर के कोई डिफरेंसेस नहीं है, ऑल आर वन एंड इक्वल। तो इसमें जेंडर इक्विटी, जेंडर समता की ज़्यादा बात होती है, लेकिन हम ज़्यादा बात जेंडर इक्वलिटी, जहाँ पर कोई चीज़ है रिलेटिविटी, उसके संदर्भ में लाके जेंडर की बात करने लगते हैं। तो मैं इस ओपनिंग कुछ मेरे प्रश्न जो हमारे हम चाहते हैं मार्गदर्शन उसको लेते हुए आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया अपने डिस्कशन में इन बातों को हमारे सामने रखें जिससे हमको सही दिशा मिल पाए कि जेंडर क्या है और जेंडर सेंसिटाइजेशन कैसे किया जा सकता है। मैं बहुत ही विनम्र आग्रह के साथ निवेदन करता हूँ हमारे माननीय कुलपति महोदय का, प्रोफेसर आशा शुक्ला जी का, कि अभी कृपया हमें उद्बोधित करें, मार्गदर्शन देवें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पर आपने वेलकम एड्रेस में उन सारे बिंदुओं को शामिल किया है जिस पर चर्चा होनी जरूरी है और जिस पर आज चर्चा भी होगी, और इस एक महीने हम उसके अलग अलग उप विषयों पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बहुत ही आदर के साथ ऑनरेबल प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम को आमंत्रित करता हूँ आज के लेक्चर के लिए। आप सभी को नमस्कार। आज सम्मानीय प्रोफेसर सुषमा यादव जी के बातचीत करने का दिन नियत था, लेकिन अस्वस्थतावश ये अवसर मुझे मिला तो मैं तो बिल्कुल आज एक अलग तरीके से प्रस्तुत हूँ। और मुझे बड़ी प्रसन्नता ये है कि जो पूरे महीने मुझे समय नहीं मिल रहा था, आज दैव योग से मुझे भी प्राप्त हो गया। थोड़ा सा प्रोफेसर वर्मा सर ने जो बुरी प्रश्नों को उठाया है, इस पृष्ठभूमि में मैं इस बात को कुछ कहने की कोशिश करूंगी कि जेंडर यानी स्त्री पुरुष और थर्ड जेंडर यानी पूरी इंसानियत में इंसान के जितने स्वरूप सब समाहित, और ये सब हिस्सा हैं समाज के। तो सबसे पहले तो जो मैं कई बार कहना चाहती हूं, और ये चूंकि सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है हमारा, तो इस प्रश्न पर पुनर्विचार की और बार बार विचार की आवश्यकता है कि क्या हम समाज मानसिकता में अभी तक स्वयं को प्रस्तुत कर सके हैं। जहां तक मेरी समझ है, हम अभी तक समुदाय मानसिकता में हैं, कम्युनिटी बेस्ड थिंकिंग में हैं। काला गोरा जाति रंग वर्ण लिंग तमाम भेद उपस्थित कर रखे हैं हम लोगों में, और उन्हीं में हम अपनी चिंताएं
अपने सामाजिक परिवर्तन, अपनी सामाजिक सोच को प्रस्तुत करते हैं। आदर्शवादी और भौतिकवादी दोनों विचारधाराएं के सूत्र वाक्य एक समान नहीं है। तो सूत्र वाक्य फिर क्या तलाशा जाए? सूत्र वाक्य ये तलाशा जाए कि हम सब इंसान हैं। इसमें तो कोई प्रश्न और प्रतिप्रश्न उपस्थित हो नहीं सकता कि चाहे जो व्यक्ति लिंग के तौर पर जिस भी योनि में जन्म लिया हो, औरत हो, आदमी हो, थर्ड जेंडर हो, कुछ भी हो, वो सब इंसान हैं। तो अगर समुदाय मानसिकता से हमको समाज मानसिकता में प्रस्थान करना है तो हमें एक इंसान के तौर पर जेंडर की उपस्थिति, जिसमें स्त्री पुरुष थर्ड जेंडर सब समाहित, के बारे में चिंता करनी होगी। जेंडर सेंसिटाइजेशन अकेली महिला की बात नहीं करता, वो समाज की चिंता करता है। और समाज में आपसी संबंधों में किस तरीके से संवेदनशीलता बढ़े और हम सबके बीच में एक मानवीय व्यवहार का सामाजिक चेहरा उभरे, इसकी कोशिश करता है। तो और बातों को आगे बढ़ाने के पूर्व आज बहुत गहराई से स्वयं भी ये समझने की कोशिश करूंगी कि ये समझा जाए कि वास्तविक जेंडर सेंसिटाइजेशन है क्या, और जेंडर सेंसिटाइजेशन के अंतर्गत बुनियादी तौर पर हम लोग क्या सोचते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक उन तत्वों को समझना जो सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो जेंडर सेंसिटाइजेशन की परिधि में आता है। जेंडर इक्वलिटी के संदर्भ में हमारे व्यवहारों में जो निरंतर हो रहे मॉडिफिकेशंस हैं, उनको संदर्भित करना जेंडर सेंसिटाइजेशन है। हम अपने और दूसरे के बारे में जो सेक्सुअल डिफरेंसेस समझते रहे हैं, यानी हमारे दिमाग में जो सेक्सुअल डिफरेंसेस हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन आपके इसी संदर्भ में बदलते हुए व्यवहार को सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील बनाता है। जेंडर संवेदनशील व्यक्ति में अपने से इतर सेक्स के प्रति, यानी अगर मैं महिला हूं तो पुरुष के प्रति और अगर मैं पुरुष हूं तो स्त्री के प्रति, एक नया सामाजिक व्यवहार का पैटर्न विकसित होता है और वो उसे एक्वायर भी कर लेता है। जेंडर मुद्दों के संबंध में जो हमारे पहले से विश्वास, सोच और वैल्यू सिस्टम बने होते हैं, हम जैसे जैसे जेंडर सेंसिटिव होते जाते हैं, हम स्वयं अपने उन प्रश्नों पर सवाल करते हैं और स्वयं की सोच को उन प्रश्नों से जो उत्तर प्राप्त होते हैं उनसे संशोधित करते हैं। जब हम जेंडर संवेदनशीलता की प्रक्रिया में होते हैं तो यह स्वतः होता जाता है। जेंडर सेंसिटाइजेशन का उद्देश्य है कि हम स्वयं में और संस्थागत सोच में, संस्थागत सोच से आशय ये नहीं है कि मैं जिस विश्वविद्यालय में हूं या जिस भी संस्था में हूं, यहां पर मामला आ रहा है सामाजिक संस्था में, समाज में बदलाव कर जेंडर समता को लाएं और दैहिक भेदभाव को मिटाएं, ये इसका मूल उद्देश्य होता है। स्त्री और पुरुष के प्रकृति जन्य जो बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सेक्स है,
जैसे मैं स्त्री हूँ, कुछ लोग पुरुष हैं, लेकिन जेंडर इन भेदों से परे, इन दैहिक और लैंगिक भेदों से परे संबंधित होता है कि वे सामाजिक विशेषताओं और भूमिकाओं पर केंद्रित हमारे सामाजिक व्यवहार को हम जेंडर के संदर्भ में देखते हैं, जिसे हम स्त्री और पुरुष के मध्य सोशली कंस्ट्रक्टेड रिलेशनशिप के तौर पर समझ सकते हैं। अगर जिन संस्थाओं में और जिस समाज में अलग अलग जगहों पर अगर हम काम करते हैं, अगर हम लोग सिर्फ देह के स्तर पर स्त्री और पुरुष को देखेंगे तो हमारा काम करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि हम स्त्री भूगोल में स्त्री की तलाश करते रहेंगे, ना तो अपने वरिष्ठ की तलाश कर पाएंगे, ना अपने कनिष्ठ की तलाश कर पाएंगे। स्त्री और पुरुष के मध्य जो सामाजिक सांस्कृतिक दैहिक लैंगिक भेद है वो समयानुसार बदलता जाता है, जिसे हम सीख सकते हैं और तब उसे ही जेंडर पर्सपेक्टिव में सामाजिक शिष्ट व्यवहार माना जा सकता है। शोधों में अगर हम देखें, रिसर्चेस में, जेंडर एक ऐसा सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल है जो परिवार, समाज, संस्थाओं और देश में निजी और पदेन जिम्मेदारियों के निर्वहन में बाधक भी है, चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन अनंत संभावनाओं से भी जुड़ा है, जिसकी प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जरूरत है, क्योंकि हम जेंडर युक्त समाज की निर्माण की संकल्पना की ओर बढ़ना चाहते हैं। पुनः बहुत स्पष्ट है कि सेक्स बायोलॉजिकल है, नेचुरल है, बॉर्न विद है, कॉन्स्टेंट है, इसके लिए उसे बदला नहीं जा सकता। जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, बॉर्न विद नहीं है, सीखा जाता है, इसीलिए वो बदल जाता है। अब थोड़ा सा हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि सेक्स रोल्स और जेंडर रोल्स क्या हैं। सेक्स रोल्स सारी सोसाइटीज में लगभग यूनिवर्सल हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ओनली विमेन हु गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, ओनली मेन कैन सप्लाई स्पर्म, डू नॉट चेंज विद चेंजिंग टाइम, कैन बी परफॉर्म बाय ओनली आइदर ऑफ द सेक्सेस, दे आर बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। जेंडर रोल्स सोशली कंस्ट्रक्टेड मे डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, चेंज विद चेंजिंग टाइम्स, कैन बी परफॉर्म बाई बोथ सेक्सेस। एग्जाम्पल, वीमेन कैन डू द सेम जॉब्स एज मेन। हम सब देख रहे हैं, हम अपना ही उदाहरण सब लोग ले लें, हम लोग महिलाएं और पुरुष एक समान काम करते हैं, और पुरुष भी बच्चों की माताओं की तरह महिलाओं की तरह ही देखभाल कर सकते हैं, और इस तरीके से हम सेक्स और जेंडर के रोल्स को देख सकते हैं। थोड़ा यहां इस बात के विस्तार के साथ समझने की आवश्यकता है कि सोशलाइजेशन ऑफ जेंडर रोल्स, आखिर इसमें हम क्या समझना चाहते हैं। दुनिया में आते समय पहला प्रश्न, लड़का हुआ है कि लड़की, ये ही वो क्षण है जहां से जेंडर सोशलाइजेशन शुरू होता है। पहला प्रश्न, इस सोशलाइजेशन की एजेंसीज में अगर हम देखें जेंडर रोल्स को, तो टीचर ऑफ सोसाइटी, हम जेंडर रोल्स उन्हीं से सीखते हैं, मुख्य तौर पर फैमिली
पीयर ग्रुप्स, स्कूल्स, मीडिया, और ये थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बचपन और किशोरावस्था में हमने इन एजेंसी से जो जेंडर डिफरेंसेस सीखे उसका प्रभाव हमारी सोच पर प्रारंभिक तौर पर लगभग स्थायी सा होता है, लेकिन हम जैसे जैसे जेंडर सेंसिटाइज होते जाते हैं हमारी इन भूमिकाओं में स्वतः सीखने की परिस्थिति में परिवर्तन आता जाता है और धीरे धीरे हम जेंडर सेंसिटिव हो जाते हैं। माता पिता से बच्चा सीखता है और माता पिता अपनी तरह से सर्वश्रेष्ठ अपने बच्चों को अनेकों माध्यमों से संप्रेषित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लड़के को खिलौनों के तौर पे कार, खेल खेलने के तमाम इक्विपमेंट्स, रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने, अक्सर बंदूक, ये सब दिए जाते हैं। दूसरी तरफ लड़कियों को इनकरेज किया जाता है कि वो गुड़ियों से खेलें, गुड़िया घर बनाएं, किचन सेट दिया जाता है और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो घर घर खेलें और घर घर के ही साथ में अपने इन्हीं सोचों के साथ उनकी परवरिश अनजाने में होती है कि उनको घर घर में ही रहना है, घर घर को ही विकसित करना है। स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस एंड विमेंस रोल्स थोड़ा और विस्तार से समझें। जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर डिफरेंसेस, व्यक्तिक भूमिकाओं और सामूहिक भूमिकाओं का सामान्यीकरण कर देते हैं। उदाहरण के लिए अक्सर सुनने में मिलता रहा है कि अच्छी औरतें वो होती हैं जो सुबह जल्दी जगती हैं और रात में देर से सोती हैं। अच्छी औरतें वो होती हैं ज्यादा वाद विवाद नहीं करती, अच्छी औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं। ये कहीं ना कहीं जाने अनजाने में बताया जाता रहता है। इसको बताने का मुख्य उद्देश्य एक परंपरागत तौर पे जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो ऐसे विश्वासों को स्त्री और पुरुष की निजी भूमिकाएं और मन में विस्तार कर लेता है। उसके मन में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, जैसे भाई बहनों की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, छोटा भाई हो वो बहनों की रक्षा करेगा, यानी बहनें कमजोर हैं उन्हें रक्षा की आवश्यकता है। ये स्टीरियोटाइप्स आप बिल्कुल कोई कंफ्यूज ना करें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स समाज में जेंडर संवेदनशीलता का विस्तार करते हैं। अगर सिर्फ इसको विमेन के क्षेत्र में कहा जाए तो विमेन इक्विटी, जेंडर इक्विटी और विमेन एम्पावरमेंट का विस्तार करते हैं, और जो नेगेटिव है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, वो कहीं ना कहीं इस तरीके की कमजोरियों का भी दिमाग में विस्तार करते हैं, और जो कमजोर व्यक्ति इन चीजों को अपने मन में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से स्थापित कर लेते हैं उनका उनसे निकलना मुश्किल होता है। बल्कि अगर वो इसी सोच के व्यक्ति हैं या इसी सोच के पुरुष हैं या स्त्री हैं तो आगे भी इस संक्रमण को फैलाते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स में थोड़ा और देखें, आमतौर पर ये माना जाता है और बहुत सारे लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि स्कूल टीचर महिलाएं ही होती हैं, मॉडल्स महिलाएं ही होती हैं, नृत्यांगनाएं महिलाएं होती हैं, गायिकाएं महिलाएं भी होती हैं। ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं। द
जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम सब जो जेंडर पर्सपेक्टिव में काम करने वाले लोग हैं वो भली भांति समझते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स में परंपरागत जो सोच है उसके अनुसार घर का जो पुरुष है, मुखिया है, वो फाइनेंशियल प्रोवाइडर और इंडिपेंडेंट होता है और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए वो कमाता है। मुखिया है, पावर है, तो वो एग्रेसिव होते हैं, मुखिया होते हैं, कैरियर फोकस्ड होते हैं और वो भावनाओं में बहते नहीं है, भावनाओं को कंट्रोल करने वाले होते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स में पुरुष को इस तरीके से दिखाया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं बहुत सारे पुरुष भावुक होते हैं, अपने मन की बात शेयर करते हैं पूरे विश्वास के साथ, और जिसके साथ शेयर करते हैं उसमें ये नहीं देखते कि वो स्त्री है पुरुष, बस ये देखते हैं कि उसकी योग्यता इस गंभीर बात को शेयर करने लायक है या नहीं, या उनसे कुछ बेहतर सलाह मिल सकती है या नहीं। एडिशनली महिलाओं के स्टीरियोटाइप्स रोल जो हैं वो ये हैं कि उन्हें शादी करना है और बच्चे पैदा करती हैं। महिलाएं घर, खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करने तक सीमित हैं। फीमेल स्टीरियोटाइप रोल्स में अपने से ज्यादा पूरे परिवार के वेलफेयर का ध्यान रखना महिलाओं के हिस्से में माना जाता है। महिलाएं लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग और सहानुभूति वाली होती हैं और वो उन्हें सुंदर होना चाहिए, सुंदर दिखने वाला भी होना चाहिए, महिलाएं सुंदर दिखती हैं। मित्रों, जो जेंडर सेंसिटाइजेशन में विश्वास करते हैं और जो एक बहुत खूबसूरत इंसानियत से भरी दुनिया में विश्वास करते हैं, उनके लिए ये स्टीरियोटाइप्स मानना चाहिए कि समाज के लिए हार्मफुल हैं। वे किसी भी व्यक्ति के एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी को खत्म कर उसकी पर्सनल ग्रोथ को खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। अगर मान लीजिए किसी लड़की में योग्यता डॉक्टर बनने की है, इंजीनियर बनने की है, पायलट बनने की है, सेना में जाने की है, पुलिस में जाने की है, लेकिन अगर इन्हीं स्टीरियोटाइप्स के अधीन उसको सिर्फ घर में रोक दिया जाए अथवा उसको कोई टीचर ही बनने दिया जाए तो ये उसकी प्रतिभा का हनन होगा, शोषण होगा। और दिक्कत तलब बात यह है कि जिसका हनन हो रहा है और जो हनन कर रहा है, दोनों को ही जाने और अनजाने में पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और कितना क्षति पहुंचा रहे हैं उन लोगों की जिनको कि वो प्यार करते हैं और उन लोगों की जिनको कि वो नहीं जानते हैं। थोड़ा सा इस चीज को और आगे बढ़ाएं। हमारे एक मित्र हैं, मैं उनके सवालों को बाद में लेती हूं क्योंकि उनका कहना है, हिमांशु जी हैं, कह रहे हैं कि इस बात का ज्यादा प्रसार प्रसार नहीं क्यों नहीं हुआ कि इस विषय को कोई पुरुष पढ़ रहा है तो उसको कहा जाता है कि तुम विषय को क्यों कर रहे हो, इसको पढ़कर क्या करोगे, ये विषय तो घर तोड़ने वाला है। ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स ही है क्योंकि ये तो इंसानियत का विषय है, महिला पुरुष का विषय नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने इस विषय पे पहला अपना कार्यक्रम आयोजित किया तो बड़े एक सीनियर प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि आशा जी तो हम तो आ नहीं सकते आपके कार्यक्रम में। मैंने क्या क्या हुआ सर, आप व्यस्त हैं? तो बोले नहीं, वो तो कुछ महिलाओं वाला कार्यक्रम है ना। यानी ये महिलाओं वाला कार्यक्रम और पुरुषों वाला कार्यक्रम, समाज वाला कार्यक्रम क्यों नहीं है, ये जेंडर सेंसिटिव कार्यक्रम क्यों नहीं है।
कुछ लोग ये भी कहते हैं, एक और कमेंट आ रहा है कि मैंने तो महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता दे दी है। भाई ये स्वतंत्रता देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है? जब दोनों ही स्त्री और पुरुष समान इंसान हैं, तो ये लेने वाला और देने वाला कौन है? बड़े ही मेरे एक परिवार के व्यक्ति हैं, परिचित हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पत्नी को इसलिए कान के वो इयररिंग्स खरीद के नहीं दिए, मैं चाहता हूँ वो बड़े पहने। भाई बड़े क्यों पहने? वो क्या पहनना चाहती है? उसकी चॉइस है। तो ये जो पावर गेम है ना, अर्थ से कंट्रोल, ये सब जेंडर रोल्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ एक बड़ी गंभीर और बात है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बच्चे बड़ों से जो जाने और अनजाने में सीखते हैं, और तब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है कि अगर नेगेटिव सीख लिया तो इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स को वो प्रमाण सहित आगे बढ़ा देते हैं कि मेरे बाबा भी ऐसा करते थे, मेरे नाना भी ऐसा करते थे, मेरे पिता भी ऐसा करते थे, तो माता पिता बाबा गलत नहीं हो सकते, मेरी दादी ऐसा प्रत्युत्तर करती थी। तो इससे क्या होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये सारी चीजें संक्रमित होके बढ़ती जाती है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स में अक्सर हम स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में भी देख लेते हैं। कारण, अगर आपका जेंडर पर्सपेक्टिव, जेंडर सेंसिटाइजेशन क्लियर नहीं है, तो आप अक्सर एक शिक्षक होने के बावजूद ऐसे ही उदाहरण देंगे कि कोई बच्ची खाना बनाती है और कोई लड़का पढ़ने जाता है। अगर आप जेंडर सेंसिटिव होंगे तो आप ये भी विचार करेंगे कि वो लड़का भी कभी खाना बनाता है और वो लड़की भी पढ़ने जाती है, दोनों ही मिलके करके काम भी करते हैं, दोनों पढ़ने भी जाते हैं। लेकिन ये जो भेद है ना कि लड़का है कि लड़की पैदा हुआ, वो आगे बहुत विस्तार लेता है। जॉब्स के सिलेक्शन में अभी मैंने कहा ही आपसे कि अरे लड़की है, फौज में जाएगी, पुलिस में जाएगी, टीचर बनाओ, घर की भी प्रॉपर देखभाल होगी, बुजुर्गों की भी सेवा होगी, उसको जॉब सिलेक्शंस में भी ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स गंभीर इफेक्ट डालते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जेंडर सेंसिटाइजेशन में डायमेंशंस ऑफ पैट्रियार्की पे भी बात करना चाहूंगी। पहली बात मैं दोबारा दोहरा लूं, ये स्त्री और पुरुष के भेद का मामला नहीं है, स्त्री वर्सेस पुरुष का मामला नहीं है, मेल वर्सेस फीमेल का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है, स्वस्थ समाज का मामला है। इसीलिए मैं कहती हूँ जेंडर का मामला है, और अंबेडकर विश्वविद्यालय में इसीलिए जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट को खोला गया, सो दैट हम ये एक दलदल से बचें, एक युद्ध से बचें कि ये कुछ औरतों का है, ये कुछ आदमियों का है। ये सारा विषय जेंडर का है, समाज का है, देश का है, विश्व का है। थोड़ा समझें, पितृसत्ता, आखिर पितृसत्ता है क्या? अक्सर सुना होगा पितृसत्ता, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। पितृसत्ता सामाजिक ढांचे में पुरुष की भूमिका को सर्व प्रमुख और केंद्र में रखती है। किसी भी व्यवस्था में अगर किसी एक की भूमिका केंद्र में हो गई, प्रमुख हो गई, और वो व्यक्ति इतना समझदार नहीं हुआ कि अन्य की सोचों को भी उन डिसीजन मेकिंग्स में शामिल करे, तो उस परिवार में, उस सोसाइटी में विघटन, विचलन होना तय है, कुंठाओं का पनपना तय है। पितृसत्ता में पिता का पत्नी, बच्चों और प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है। पितृसत्ता जैसे सामाजिक सिस्टम में परिवार में पिता के आदेश को की संस्थापना मान्य की गई है, भले ही पिता इस योग्य हो या ना हो। मैंने अक्सर प्रश्न किया, किसी आप बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लीजिए और अगर उसकी माता पावरफुल पोजीशन पे है तो हमेशा माँ का नाम ले लिया जाता है, तो क्या माता पिता का नाम पावर गेम है?
बिल्कुल नहीं। पितृसत्ता, पुरुष वर्चस्व और स्त्री की पराधीनता वाला सामाजिक सिस्टम है। धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, भूमि से जुड़े मुद्दे, प्रॉपर्टी, विवाह पद्धतियां और परिवारों में पितृसत्तात्मक सामाजिक सिस्टम पुरुष के आदेश प्रभुता को मान्यता देती है। पितृसत्ता में ये सब होता है। थोड़े से डायमेंशंस और पैट्रियार्की समझें। पुरुष का नियंत्रण, प्रॉपर्टी और अन्य आर्थिक संसाधनों पर होता है। श्रम पर होता है, मतलब वो बंटवारा कर सकता है कि महिला कितना श्रम करेगी। अक्सर आप देखते हैं चीजें बदल रही हैं, उसके बावजूद भी घरेलू जो डोमेस्टिक वर्क है वो महिलाओं के हिस्से में आता है। रिप्रोडक्शन यानी बच्चे पैदा करने का भी नियंत्रण पुरुष के हाथ में है। सेक्सुअलिटी, आपसी पति पत्नी के दैहिक संबंध, उसका भी नियंत्रण पुरुष के हाथ में दिखता है। मोबिलिटी, आना जाना, मिलना जुलना और अन्य प्रकार की मोबिलिटी, जिन चीजों को आप विस्तार में दे सकते हैं, उसका भी वो नियंत्रण करता है कि महिला किससे मिले किससे ना मिले। वो कितने भी वरिष्ठ कनिष्ठ पद पर बैठी हुई हो, लेकिन वो एक इंसान है। वो इवन यहाँ तक कि वो अपने माई वालों से कितना संपर्क रखे, संबंध रखे, वो लोग कितना आए कितना नहीं आए, उसके मित्रों का कितना समय तय होना चाहिए, हर चीज पे टीका टिप्पणी, हर चीज ये मैन के कंट्रोल में पितृसत्ता के अंतर्गत दिखता है। और इसके मैनिफेस्टेशन ऑफ पैट्रियार्की को अगर आप देखें तो सन प्रेफरेंस, भोजन में भेदभाव, मैंने तमाम बात इस बात को कहा कि जेंडर इंडाइसिस में फूड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल बताया गया है, लेकिन फूड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। मैं पुनः दोहरा दूं, एक रिसर्च के दौरान जब ये पता करने की कोशिश की गई कि घर में अगर बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं तो जो फूड बनता है वो किसकी च्वाइस से बनता है, स्वाभाविक है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को और स्वाद दोनों को ध्यान में रखे, बच्चों के स्वास्थ्य और स्वाद दोनों को ध्यान में रख के महिला खाना बनाती है, उसकी प्रेफरेंस नीचे हो जाती है, जबकि उसके पति की प्रेफरेंस भी वो रख लेती है। और जब खाना खाया जाता है, नॉर्मली बुजुर्ग और बच्चे पहले खाते हैं, पति सब में बटा हुआ होता है, कभी माता पिता के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी दोनों पति पत्नी साथ खाते हैं। और जो खाना सबको ज्यादा अच्छा लगता है ज्यादा खाते हैं, जो बचता है वो महिला के हिस्से में। और ये बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि सोच विचार के भेद किया जाता है, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। लेकिन अनोइंगली जो फूड का मामला है वो प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अक्सर उन महिलाओं की भी बड़ी प्रशंसा कर दी जाती है कि देखो उसने कभी बताया है नहीं, अचार से रोटी खा ली, कभी उसने जिक्र नहीं किया, कभी उफ नहीं किया। ऐसा क्यों होना चाहिए, प्रश्न इस बात का क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं हम जानते हैं तो थोड़ा भोजन निकाल के महिला के लिए पहले से अलग रख दें, अगर हम उसको इतना प्यार करते हैं, इतना महत्व देते हैं। शिक्षा में भी पढ़ने की जो कमतर सुविधाएं हैं, अगर घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है और लड़का और लड़की दोनों है तो नॉर्मली देखने में आता है, रिसर्चेस कहते हैं लड़का पहले पढ़ लेता है, लड़की को कम पढ़ाई जाती है कि पराए घर का धन है, ऐसा कुछ कह के उसकी शादी कर लो। लेकिन अब इसमें उच्च शिक्षित वर्ग में, उच्च धनाढ्य वर्ग में, सामाजिक आर्थिक सोच के अच्छे वर्ग में इन सब चीजों में परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। सेक्सुअल हेरासमेंट एंड रेप, COVID-19 के दौर में सेक्सुअल हेरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस को हम लोगों ने बहुत बढ़ा हुआ देखे, सुसाइड के रेट्स को बहुत बढ़ा हुआ देखा। ये आखिर क्या वजह है, इनकी तलाश भी हमको पितृसत्ता की इन विविध डायमेंशंस के अंतर्गत देखनी पड़ेगी। जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आप अक्सर देखिए घर में दो भाई बहन है, चार भाई बहन है, छह भाई बहन है, पांच भाई बहन है, बहनों से एक बार पूछा ही नहीं जाता उनके इस महत्व को, इस लीगल महत्व को। पूरा समाज इस पितृसत्ता की व्यवस्था के दौरान कोई महत्व ही नहीं देता,
और ये माना जाता है कि उसमें कोई जानने की जरूरत भी नहीं है, बस वो हस्ताक्षर करने वाली एक मशीन है और अगर वो इस पे बोलती हैं तो वो अच्छी बहनें नहीं हैं, वो मायके में वेतन करने वाली महिलाएं हैं, इस प्रकार की सोच उनके साथ होती है। और सबसे ज्यादा कि चाहे मायका हो ससुराल, महिलाओं को इसीलिए डिसीजन मेकिंग में बहुत ही लेस पार्टिसिपेशन मिलता है। और ये बातें कोई एक सामान्य परिवारों की नहीं, अच्छे प्रतिष्ठित परिवारों की भी हैं जिनमें इसी प्रकार के दोहरे चौहरे मापदंड हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जेंडर इनइक्वेलिटी, थोड़ा सा इसको भी समझने की जरूरत है। हमारे देश के कई हिस्सों में बड़े सामान्य तौर पर इस तरीके की बात कही जाती है कि लड़कियां आर्थिक बोझ हैं, लड़कियां जिम्मेदारी हैं और माता पिता बड़ी जल्दी कोशिश करते हैं कि इस लड़कियों के आर्थिक बोझ से पूर्ण हुआ जाए। ये बहुत गंभीर मामला है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है वो हमें निरंतर इन्हीं सब कारणों से चेतावनी देता है। इन्हीं लड़कियों को आर्थिक बोझ और जिम्मेदारी समझने के साथ जो कुरीतियां जन्म लेती हैं वो भ्रूण हत्या तक पहुंची है। और भ्रूण हत्या में जो लड़की और लड़कों का जो शिशु लिंगानुपात का गैप है वो बहुत स्पष्ट करता है। उस बात को कभी बहुत विस्तार से कहेंगे भी और मैंने बहुत बार कहा है कि वो शिशु लिंगानुपात अगर एक मादा भ्रूण की हत्या कर दी जाती है तो 5 लड़कियों को 10 लड़कियों को हमको कहीं ना कहीं एक तरीके से फॉल्स मैरिजेस का और अन्य चीजों का शिकार होना पड़ता है, भरपाई करनी पड़ती है। ये सारा जेंडर इनइक्वलिटी में है। अभी एक किताब आई अलगनी पर, औरतें कुसुम त्रिपाठी बैठी हैं उन्हीं संपादन में किताब है, उसमें मेरा भी एक पर्चा है विधवा स्त्रियों के। जब विधवा स्त्रियों को आप पूरे अपने ही देश में देखें तो आप देखेंगे हर 20-25 किलोमीटर पे विधवा स्त्रियों से जुड़ी हुई कुरीतियां के स्वरूप बदल जाते हैं। एक इंसान के तौर पे उन स्त्रियों की जो दुर्दशा है, और आप बड़े बड़े धार्मिक स्थानों को भी देख लीजिए कि परिवार वाले कहीं आर्थिक संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए तो कई उनसे कुप्रथाओं ने जन्म लिया और कई रिवाजें उनसे बड़ी, चुन्नी चढ़ाना है ना, चादर उड़ा देना, क्योंकि महिला घर की घर में रहेगी तो उसका फाइनेंशियल जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। और अगर इसमें कुछ कमजोरी है उसको मायके में भेज दिया गया तो इन महिलाओं के साथ, विधवा स्त्रियों के साथ सेक्सुअल वायलेंस की घटनाएं और उनको कहीं पे भी छोड़ना ना, इस तरीके की आम घटनाएं इतनी गंभीर हैं। उनके शरीर को बदसूरत बना देना, यानी पुरुष अपनी दृष्टि नहीं बदलेगा, उन महिलाओं को बदसूरत बना दो, लेकिन इतनी बदसूरत महिलाओं के साथ भी सेक्सुअल वायलेंस के जो रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड क्राइम है उन पर भी जेंडर इनइक्वलिटी में विचार करना चाहिए। दूसरे, महिलाएं जो घर में श्रम करती हैं, लगातार श्रम करती हैं, अपना घर मान के करती हैं, पूरे जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ करती हैं, उनका आर्थिक मूल्यांकन तो बहुत दूर की बात, भावनात्मक मूल्यांकन भी जो समाज नहीं करता वो जेंडर इनइक्वलिटी को बहुत बढ़ावा देता है। भावना, अभी आप COVID-19 का मैं फिर उदाहरण दूंगी, इस दौर में इन महिलाओं का श्रम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा, इन महिलाओं के सेक्सुअल असॉल्ट का इनके ऊपर बहुत, रेप के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ा, क्योंकि ये वर्क निरंतर घर में था और ड्रग्स वगैरह इसमें और प्रमुख भूमिकाओं में उपस्थित थे। मैं फिर कहूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मोलेस्टेशन, टीजिंग, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, सेक्सुअल हेरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये भी आजकल कॉमन अफेयर हो गए हैं। मैंने इस विषय पर एक अलग पूरा व्याख्यान प्रोफेसर रीता सिंह का रखा है और आज ही प्रोफेसर शोभा सिंधे से भी बात हुई है कि वो भी इसी पे बात करेंगी। तो वर्क प्लेस पे जो जेंडर इनइक्वलिटी और जेंडर सेंसिटाइज्ड माहौल नहीं है, जेंडर सेंसिटिविटी नहीं है, उनके कारण जिस इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ी हैं उनको भी बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि वर्क प्लेस पे भी जो लोग आके इस प्रकार की घटनाएं, दोहरी बातें, चीटा कसी, टोंटबाजी,
बलात्कार क्या नहीं, वो सब उसी की देन है, क्योंकि वही उस समुदाय का चेहरा है। और मैं फिर कहूंगी हम समाज मानसिकता में प्रस्तुत नहीं है। अमर सेन जी ने जेंडर इनइक्वेलिटी के साथ फेसेस की बात करी। अभी उतना समय नहीं कि मैं सब पे विस्तार पे जाऊं, लेकिन मैं यहाँ कहने की सिर्फ एक लाइन कोशिश करूंगी कि जेंडर इनइक्वेलिटी इज नॉट वन होमोजेनस बट ए कलेक्शन ऑफ डिस्परेट एंड इंटरलिंक्ड प्रॉब्लम्स। आप इसमें मॉर्टेलिटी इनइक्वेलिटी, नेटलिटी इनइक्वेलिटी, बेसिक फैसिलिटी इन इक्वेलिटी, स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वेलिटी, प्रोफेशनल इनइक्वेलिटी, ओनरशिप इनइक्वेलिटी, हाउस होल्ड इनइक्वेलिटी, इन सबको विस्तार से आप पढ़ें और समझें। अब थोड़ा सा इस जेंडर इनइक्वेलिटी के इम्पैक्ट को भी मैं देखना चाहूंगी। इसका फर्क ये, दुष्प्रभाव ये हुआ कि हमारी जो बहुत योग्य बुद्धिमती बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो कम शिक्षित रह गए। अगर एक लड़की कम शिक्षित है तो आप समझिए कि दो परिवारों में कम शिक्षा का वातावरण उपस्थित हो जाएगा और जनरेशन टू जनरेशन ये जाता है। महिलाओं के जॉब की कम सुविधाएं हो गई, क्योंकि पुरुष तो कहीं पे भी पूरी दुनिया में काम कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए उनके लेस एम्प्लॉयमेंट का मामला दिखने में इसमें उभर के आया। ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को तो हम निरंतर हर जगह देख रहे हैं, और जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं और पॉलिटिकल राइट्स हैं उन सब में भी इस जेंडर सेंसिटाइजेशन की कमी से, जेंडर इनइक्वेलिटी की कमी से बहुत गंभीर प्रभावों को हम देख रहे हैं। एक और चीज, स्नेहा खरे हमारी एक बहुत ही प्रिय वो रही हैं, मतलब दोस्त रही हैं, विद्यार्थी होने वाली थी लेकिन वो नहीं पाई, अब वो प्रोफेसर हो गई हैं। उन्होंने लिखा है कि अभी तो मीडिया न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें प्लांट की जा रही हैं जिससे ये सबमिट करने की कोशिश की जा रही है कि पढ़ी लिखी महिला घर अच्छे से नहीं संभालती है और जरा सी बात पर तलाक ले रही है बिना किसी तथ्य सच्चाई की। ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि इनके पीछे भी आधुनिकता का लबादा ओढ़े लोग ही हैं। स्नेहा बहुत थैंक्स, ऐसे ही तमाम चीजें और आ रहे हैं। मैं सोचती हूँ समय सीमा को देखते हुए, क्योंकि 5:05 हैं, मुझे इसे कंक्लूड करना चाहिए अभी तो, अगर क्योंकि हमारा ये प्रिय विषय है और इस प्रिय विषय पे बातें होती रहेंगी कि, लेकिन कंक्लूजन में आप इस बात को अगर समझें, अगर फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का महिलाकरण, स्त्रीकरण और जेंडर गैप्स इन पॉलिसी, जेंडर गैप्स इन इकोनॉमी, जेंडर गैप्स इन एजुकेशन को हमने नहीं भरा, तो क्राइम अगेंस्ट वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हिंसा महिलाओं की जिंदगी वैश्विक पटल पर तबाह की जा रही है, महिलाओं की जिंदगी। आप बहुत गंभीरता से इस बात को समझने की कोशिश करें। डोमेस्टिक अब्यूज हो, रेप हो, चाइल्ड मैरिज हो, ये शुरुआती चीजें हैं, लेकिन अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विविध फॉर्म्स को देखें तो आपको हैरानी होगी कि किस तरीके से एक स्त्री देह इस सीमा तक दैहिक शोषण को बर्दाश्त करती होगी और आश्चर्य होगा कि वो जिंदा कैसे है। जिस तरीके से मैरिज सिस्टम में, मैरिज जैसे विवाह जैसा पवित्र सिस्टम में सेक्सुअल असॉल्ट बढ़े हैं, वो भी एक बहुत गंभीर बात है। तो मैं फिर से फॉर्म्स ऑफ वायलेंस पे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूंगी। अकेला शरीर पे कष्ट नहीं होता फॉर्म्स ऑफ वायलेंस पे, फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल वायलेंस हर इंसान को मार देता है, परिवार को नष्ट कर देता है, वो आपके जीने की वजहों को छीन लेता है। डोमेस्टिक वायलेंस, वो घर किसी औरत का अपना कैसे हो सकता है जहां उसका रोज शोषण होता है। मायके वालों ने ये कह के भेज दिया कि आप अपने घर जा रहे हो,
और ये घर वाले कहते हैं पराई है, इसलिए इसका घर हुआ ही नहीं। और एक पराए व्यक्ति के पास जरा जरा सी बातों पे, जरा जरा सी बातों पे इस तरीके से, जैसे किसी अपराधी के साथ होता है, उस लेवल का डोमेस्टिक वायलेंस होता है। और डोमेस्टिक वायलेंस से बहुत ज्यादा है इमोशनल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस। उनको ये एहसास कराना कि आपको कुछ नहीं आता, उनको ये एहसास कराना कि इस घर में किसी चीज में उनकी कोई भूमिका नहीं है, ये घर उनका नहीं है, ये बच्चे मैंने पैदा किए, तो मैं जब देखो तब बाहर निकाल सकता हूँ। डाउरी रिलेटेड वायलेंस, बहुत जल्दी बाल विवाह हो जाना, बाल विवाह होने के बाद कच्ची उम्र में लड़कियों का जो दैहिक पोषण है, शादी में जो सेक्सुअल असॉल्ट के मामले हैं, प्रोस्टिट्यूशन और ट्रैफिकिंग का जो मामला है, वो आप कभी कार्य करिए, सोनागाछी जाइए, आप इंटरनेशनल और इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग की बातों को देखिए, आप जरा कभी कोई प्रोस्टिट्यूशन पे काम करके देखिए, उन पे आप जब आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके मूल में अगर प्रथम चीज उपस्थित है तो वो है सन प्रेफरेंस और लड़कियों की मादा भ्रूण की हत्या। तो जब तक सोसाइटी में मेल डोमिनेशन रहेगा और महिलाओं के हिस्से में लैक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहेगी और लीगल सिस्टम जब तक वीक रहेगा और जब तक महिलाओं से घर में ओवर एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, तब तक जेंडर बेस्ड वायलेंस को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये जो डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशियो है, स्टेटिक्स पे जाने का भी समय नहीं है, मैं इस पूरी बात को यहाँ पर इस नोट के साथ समाप्त करती हूँ कि हमें सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रिवेंशन पे बहुत गंभीरता से काम करना है, हमको फीमेल फुटिसाइड के प्रिवेंशन पे बहुत काम करना है, हमें स्त्री पुरुष और हर थर्ड जेंडर को भी साथ में समाहित करके जेंडर पर्सपेक्टिव में चल रही हूँ। जब तक हम इंसान नहीं समझेंगे और हमारी जिम्मेदारी उनके साथ एक इंसान के तौर पर नहीं होगी, तब तक आप तय मानिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता रहेगा, डोमेस्टिक वायलेंस होता रहेगा और कानूनों की छोटी छोटी लूपहोल्स की मदद लेके स्त्रियों का शोषण होता रहेगा, पैदा होने से लेके मृत्यु तक कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी कारण यूजीसी ने विमेंस स्टडीज डिपार्टमेंट बनाए हैं। मुझे लगता है इनके नोमेनक्लेचर को जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट किया जाना चाहिए और मैं इसको भेजूंगी भी नहीं, इसीलिए हमारे विश्वविद्यालय में इसका नोमेनक्लेचर भी यही रखा गया कि हम पूरी इंसानियत पे काम करेंगे, स्त्री पर भी करेंगे, पुरुष पे भी करेंगे, थर्ड जेंडर पे, और हमारे यहाँ हो भी रहा है। और एक इंसान के तौर पर किसी व्यक्ति की कैसी परवरिश होनी चाहिए, अगर हमारे घर में चार सदस्य हैं और एक रोटी है तो सबका इक्वल हिस्सा होनी चाहिए, हम चौथाई चौथाई खाएं, जो है जितना है, हमारे जितने संसाधन है पूरे परिवार के लिए एक समान होने चाहिए और वो संसाधन हमारी भावनाओं में भी एक समान होना चाहिए, हमारे व्यवहार में भी एक समान होना चाहिए। और जब ये सारी चीजों को बिल्कुल हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ की तरह रोज रोज रटेंगे तब हमारे व्यवहार में आएगा। जेंडर सेंसिटाइजेशन की जरूरत लड़कियों से ज्यादा हमारे बेटों के ऊपर, और जब हम पूरे समाज को जेंडर सेंसिटाइज करेंगे तब इस दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे और एक स्वस्थ जेंडर सेंसिटिव समाज की ओर हमारी संकल्पना आकार लेगी। माना कि पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं हैं लेकिन उनको रोका नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एक और चीज मैंने अपने महामहिम राज्यपाल महोदय जी से जेंडर सेंसिटाइजेशन और वीमेन एम्पावरमेंट को लेके एक फाउंडेशन कोर्स को मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की प्रत्येक जो संकाय है उसमें चलाने के लिए अनुरोध किया था। सैद्धांतिक तौर पर उसको मान्य कर लिया गया है, अब आगे की कार्यवाही में एक प्रक्रियागत जितनी कार्यवाही हो ताकि हमारे जो किशोर बच्चे हमारे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उनका भाषाई संवाद कैसा,
अगर वो घर से माँ बहन की गाली गलौज सुनते हुए आए हैं तो उनके मन में ये भ्रम हो सकता है कि इस प्रकार की बातचीत कहना तो उनका अधिकार क्षेत्र है, इस प्रकार की फिक्रेबाजी करना तो उनका अधिकार क्षेत्र है। तो उनको अच्छी तरीके से समझा दिया जाए कि कानून क्या है और जेंडर सेंसिटाइजेशन में पुरुषों और स्त्रियों के साथ आपसी संवाद और व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसके बाद अगर वो कुछ करते हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन पहले तो शिक्षा जगत की जिम्मेदारी है। मैं विश्वास करती हूँ कि UGC हमारी जो वीमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है मध्य प्रदेश की, हमारी जो MHRD है, इस इनिशिएटिव को देश में लागू करेगी। और अभी हमने भी देखा कि वीमेन्स स्टडीज जो डिपार्टमेंट है UGC की तरफ से तमाम जो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स आए हैं उनमें जेंडर सेंसिटाइजेशन होता है। मुझे विश्वास है कि इंसानियत के हक में हम सब काम करेंगे। और हमारा रास्ता थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम थोड़े भटके हुए हैं रास्ते से, लेकिन कोई सही रास्ता न बने ऐसा होता नहीं है। हमारे उद्देश्य, लक्ष्य और व्यवहार स्वयं से प्रारंभ होके परिवार, परिवार से समाज और देश तक और विश्व तक जाने चाहिए और सभी लोगों को मानवता के हक में एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये आधी आबादी का नहीं पूरी आबादी का मुद्दा है। और अगर पूरी आबादी खुश रहेगी तो हम एक स्वस्थ और अच्छे समाज में जीवन यापन कर सकेंगे। बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझसे आप अपेक्षित हैं, अभी पूछना चाहें अभी पूछ लीजिए, मैंने कुछ प्रश्नों को देख के जवाब दिया है, अन्यथा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, उनके सबके जवाब आपको भेज दिए जाएंगे। एक और सवाल मेरे सामने रखा है, सुनीता पाठक जी हैं, वो कह रही हैं मानसिकताओं की उपज है, सभी प्रकार की समस्याएं अमानवीय मानसिकता है, इसका उत्तर सार्वभौमिक मानव मानसिकता से ही संभव है। सुनीता जी, ये चीज मैंने आपके साथ बहुत सीखी है, तो कड़ा है, जो मध्यस्थ दर्शन की बात मैं हमेशा हमेशा करती रही हूँ, जीवन विद्या का भी हमेशा उदाहरण देती रही हूँ, और हमेशा मानव की मानसिकता में विश्वास करके ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। क्योंकि जो मेरी बेटी है वो किसी घर की बहू है, जो किसी घर की बहू है वो मेरे घर की बेटी है। अगर मेरा बेटा जेंडर सेंसिटाइज हो गया तो दूसरे की बेटियों की भी उतनी ही रक्षा करने में भूमिका निभाएगा, और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी बेटियां इतनी पावरफुल होंगी कि उन्हें किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही धन्यवाद, और निश्चित तौर पर ये व्याख्यान है, वाकई जितने भी हमारे सवाल आए हैं और फेसबुक और यूट्यूब पर भी सवाल आ रहे हैं, लेकिन हम सारे सवालों को यहाँ नहीं ले पा रहे हैं। फिर भी जैसे कि जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर सहनशीलता, क्षमता, ये तभी आएगी जब हम पूरे समाज को आधी आबादी के साथ पूरी आबादी की बात करेंगे। लेकिन जब हम जेंडर पर बात कर रहे होंगे तो फिलहाल हमें महिलाओं पर ज्यादा बात करनी होगा। वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो जेंडर, महिला पुरुष, हर जेंडर और जेंडर की जितनी भी पहचान है, जैविक नहीं सामाजिक पहचाने हैं और जैविक पहचाने हैं, उसके अलग अलग मुद्दों पर बात होगी। लेकिन जब भी जेंडर पर बात होगी तो अभी जो वर्तमान भारत ही नहीं पूरे वैश्विक स्थिति में अगर देखें तो महिलाओं के अंदर भी वो ज्यादा वो भी हाथिए पे है, उनपे हिंसा, जमाती गैर बराबरी, राजनीतिक गैर बराबरी ऐसी चीजें हैं। इसलिए ये विषय महिलाओं के मुद्दों को ज्यादा शामिल करता है, हर जेंडर के मुद्दों को ज्यादा शामिल करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेंडर महिलाओं की बात करता है, वो पूरे समाज की बात करता है, और समाज को संवेदनशील बनाने के लिए हमें इस तरह के प्रयास लगातार करते रहने होंगे। और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वेलकम वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं हमारे विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर किशोर जान सर को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। ये जो हम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस और वेबिनार के कार्यक्रम की जो श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं 1 जुलाई से, और उसका ये आज 10वां दिवस है। और आज का जो व्याख्यान होना था पहले प्रोफेसर सुषमा यादव जी का,
पर किसी कारण अपरिहार्य कारण से वो नहीं आ सके, पर हमको मौका मिला और अच्छा हुआ ये कि हम मौका मिला कि हम इस कारण से जो इस विषय की जो और उनका विषय भी है, प्रिय विषय भी है हमारी विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदया प्रोफेसर आशा शुक्ला जी का, तो उनको सुनने का मौका मिला, नहीं तो हो सकता था कि अभी हम इसको इन मैडम को नहीं सुन पाते। और काफी जो उनका प्रेजेंटेशन आज का जो प्रेजेंटेशन मैडम का रहा है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एंड इट्स एप्लीकेशन, रोल ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन, जो कि काफी शोधपरक और उपयोगी रहा। और मैडम ने जैसे ही अपना क्या कहना चाहिए यहाँ पर व्याख्यान प्रारंभ किया था, और मैडम ने कहा कि ये मेरा एक सूत्र वाक्य है इस पूरे उसका कि हम सब समान हैं, इसमें लिंग का आधार ना हो, ये सही बात है। और मैडम आपने साथ में ये भी समझाया कि जेंडर सेंसिटाइजेशन है क्या, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक और लैंगिक भेद का विश्लेषण किया गया, जिसे हमें समझना जरूरी है, और इसके साथ जो व्यवहार जो हमारा हो वो सबके साथ सामान्य और बराबर का व्यवहार हो, और उस व्यवहार का आधार जो है वो लिंग नहीं होना चाहिए। इस समाज की मानसिकता पर हमको विचार करना होगा। और ये ऐसा नहीं है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन केवल महिला ही विषय के से संबंधित रखता है, ये सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। और आपने मैडम ये भी कहा कि देह का आधार अगर हम इसको रखकर सोचेंगे तो समाज में कभी भी जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं आ पाएगा। और साथ में प्रस्तुतिकरण में मैडम आपने ये भी बताया कि जेंडर रोल और सेक्स रोल क्या है, और सही है, मतलब काफी सारी चीजें मुझे भी आज समझने में आई, और हो सकता है और ये भी संभव है और अवश्य ये हुआ ही होगा कि जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को भी जो जेंडर रोल है और जो सेक्स रोल है वो उसका डिफरेंशिएशन, उसमें क्या डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैडम आपने ये भी कहा कि लैंगिक संवेदनशीलता को समझना भी होगा, और समझने के बाद इसको एक कड़ी के रूप में हमको आगे सबको भी समझाना होगा, ताकि हम एक पूरे क्या कहना चाहिए समाज में इसको लैंगिक समानता को समझा सके। आपने ये भी कहा कि ये केवल ये विषय जो है लैंगिक संवेदनशीलता का विषय केवल पारिवारिक नहीं है, केवल समाज का नहीं है, केवल राज्य का नहीं है, ये एक पूरे देश का और पूरे विश्व का है, और इसको हमको समझना चाहिए। और साथ में आपने एक जो कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करे मैडम आपने, काफी अच्छे रहे वो, और समझने एकदम सीधे मतलब एकदम से अंदर उतर गए वो। और जो आपने एक समाज में जो आपने पितृसत्ता की जो बात करी है उसको भी समझना पड़ेगा, और जो उस जो पितृसत्ता के साथ जितने भी उदाहरण आपने प्रस्तुत करे वो जो जुड़े हुए हैं, और स्वाभाविक वो हम उसको एक स्वाभाविक रूप में लेते चले जाते हैं और हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और हम जो जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात को हम लोग बिल्कुल से भूल जाते हैं। मैडम ये सही है कि अभी हमको काफी चीजें समझना है और लोगों को समझाना भी है, और साथ में जो जेंडर इक्विलिटी की जो आपने बात करी उसको भी हमको समझने की जरूरत है इसके कारण। और ये है कि अगर जेंडर इक्विलिटी नहीं रहेगी तो फीमेल जेंडर जो है, मतलब दो जेंडर के दो पार्ट है, मेल फीमेल और काफी सारे जेंडर आते हैं उसके अंदर, तो मेनली फीमेल जेंडर है जो परेशानी में रहेगा और अभी है, और अगर हमको उनको परेशानी से बाहर निकालना है तो हमको जेंडर इक्विटी में बिल्कुल समझना पड़ेगा। और एक चीज मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में मैं अब देख रहा था जो इंडिया का जो रेशो है वो 108 पुरुष पे 100 महिलाएं हैं, और वर्ल्ड में अगर देखें इसका जो रेशियो है वो 101 पुरुष पर 100 महिलाएं हैं। और इसमें अगर देखें तो प्रकृति बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर रही है, जो इंडिया में आया है उसमें जरूर ये मैटर कहीं ना कहीं आता है जेंडर सेंसिटाइजेशन का, और जो जेंडर मैडम ने सारी चीजें जितने बताई है उसके अंदर ये आती है, पर जब प्रकृति अंतर नहीं कर रही है तो हम अंतर करने वाले इसमें कौन होते हैं। और इसी के साथ मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमको आपको इतना विस्तृत में और इतना सुनने को मिला इस सब्जेक्ट के बारे में, और सही से इससे हम लोगों की ज्ञान में वृद्धि हुई है, उसके लिए धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ यहाँ पर बोर्ड पे इस प्लेटफॉर्म पर
उपस्थित है हमारे साथ में और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। और हमारे जितने फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ पर हैं उन सभी का भी धन्यवाद। और इस विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर डी के वर्मा जो हमारे सीनियर फैकल्टी है, उनने जो वेलकम एड्रेस दिया और उनके साथ काफी सारी उनका नॉलेज हमको हमेशा वो हमारे साथ शेयर करते हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, पूरा जो पूरी सूत्रधार जो है डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, वो कार्यक्रम को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। आपको कांग्रेचुलेशन और आपका धन्यवाद। और इस साथ ही जो हमारे साथ जो पूरा आईटी का जो पूरा संयोजन देख रहे हैं डॉक्टर भरत भाटी और डॉक्टर विशाल पुरोहित, और साथ में डॉक्टर रश्मि जैन जो हमारे रिपोर्टिंग का काम कर रही है, उनका भी धन्यवाद। और जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, और अब और इसके साथ आप मतलब ये भी मतलब आपकी जानकारी में दे दें कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये इस जूम सॉरी गूगल मीट के साथ साथ हम उसको यूट्यूब पे और फेसबुक दोनों पे लाइव कर रहे हैं। तो आप उससे भी अगर आप यहाँ पर नहीं जुड़ सकते तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ये भी अपने जितने आपके सब्जेक्ट से और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने लोग हैं उनको भी आप ये बता सकते हैं कि ये जो हमारा आज का जो लेक्चर है और सारे जितने हमारे इस कार्यक्रम के लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे है। अगर वो बाद में भी उसको देखना चाहते हैं तो वो वहाँ से उसको देख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सभी प्रतिभागियों को एक सूचना देनी है कि इस कड़ी में अब हम आपसे 13 तारीख को मंडे को मिलेंगे और हमारे साथ होंगी डॉक्टर वत्सला शुक्ला जो SNDT विमेन यूनिवर्सिटी से हैं और वो हमसे फेमिनाइजिंग पॉलिटिक्स नरेटिव ऑफ विमेन काउंसलर्स ऑफ मुंबई इस विषय पे बात करेंगी। और इसके अगले दिन हमारे बीच होंगे श्री दुष्यंत सिंह जी होंगे, सेना में महिलाओं की बढ़ती संख्या और सेना में महिलाओं की उपस्थिति पे बात करेंगे। तो आप लोग जिस लिंक से आज जुड़े थे उसी लिंक से मंडे को हमारे साथ जुड़े 4 बजे और आप लोग लगातार आप लोगों की सक्रियता और दिलचस्पी ऐसे विषय पे इसके लिए ब्राउज परिवार आभारी है और आप लोगों को भी दिलचस्पी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।